इतना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाइट पे तो ज्यादा उठ के दिख रहा है एकदम ग्रीन ग्रीन। तो जरूर बताना कैसा लग रहा है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अल्लाह अल्लाह कितना कुछ करने वाला। ओह माय गॉड, फिश टैंक लेने तो मेरे बच्चे को देखो, अल्लाह इसकी खुशी देखो, मेरे लाल की और महत की ना नाक में जख्म हो गया सर्दी। सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशफ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइज आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त है और स्वस्थ हैं। गाइज हमारी सुबह हो चुकी है और अभी इस वक्त हो रहे मॉर्निंग के 12 एंड हम उठे थे 11 बजे के पहले ही कुछ उठे, बट अभी सर नहीं थे क्योंकि आज भी छुट्टी पे हूँ, तो इस वजह से। और अभी हमने नाश्ता वगैरह किया और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सामान लाने के लिए, जो हमारे को मतलब दोपहर में जो भी बनाना है गोश्त वगैरह, तो मैं वो सामान लाने के लिए जा रहा हूँ। और महंत बाबू देखो यहाँ पर क्या कर रहे। बेटू सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। माँ चलना बाल कटा लेना बेटा। अरे 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 चलो बाल कटाने चलो, भागा भागा गैलरी में भागा भागा। अरे सो गाइस मैं आ गया हूँ सामान वगैरह लेके और शबनम का खाना बनाना चालू है। एंड शबनम ने मेरे को बोले चलो उठ के फटाफट फिर अभी ये झाड़ वाड़ मतलब लगा के सेट वेट कर दो। तो गाइस मैंने सबसे पहले ये ले लिया हूँ जो पॉट हमने लेके आए थे इसमें झाड़ लगाने का, तो उन्होंने बोले कि ये होल को फ्री कर देना ताकि पानी अंदर रुके ना और मिट्टी ख़राब ना हो। तो चलिए बिस्मिल्लाह, तो एकदम ना नॉर्मल करो के हल्का करो एकदम, उतना ही जितना स्पेस है उसको अपना ही बस। और देखो ये वाले झाड़ में कली भी आई है और ये वाले झाड़ की भी आ ही रही है, सुबह से पानी नहीं गया इसमें। अभी उसको सब काट के बोले थे इसके अंदर दो बारीक बारीक ईंट के टुकड़े रख देना ताकि आराम आराम से पानी नीचे मतलब हर जगह जो ऐसा पानी है जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उसको रुखा ले वहीं पे। तो ईंट भी है हमारे पास रखी हुई, वो मट्टी फेंक दूं ना पुरानी वाली क्योंकि उसमें कभी होता नहीं होता बोल नहीं सकते ना, बहुत कम पड़ी तो मिक्स करने के लिए। हाँ तो उसको पहले साइड में निकाल लो किसी में, थोड़ा गिल्ला करते ना उसको, जो ऊपर की मट्टी है वो फेंक देते नीचे की। तो गाइस बहुत तेज धूप है बाबा। हाँ ये मट्टी अच्छी है, लाल मट्टी है। तुम इतना जेवर पहन के जेवर निकालो ना, तुम्हारे खराब हो जाएंगे ना। और है अच्छी लाल लाल। हाँ ये भी उठा तो है ना, अभी और एक है ना उसको से फिर भी ले लो ना, अच्छा काम आएगा ना। हाँ तो हम पिछली बार इसको तो होल करे ही नहीं थे, ऐसे ही लगा दिए थे, तभी तो हमारे झाड़ बरोबर उग नहीं रहा था ना। हाँ ये भी मस्त है। इसमें तो ये हमने पानी के लिए लाए थे बट अभी इसमें झाड़ लगा देंगे, पानी कोई और चीज में रखेंगे। और एक चीज है पानी के लिए, तब वो इसका झाड़ मिल ही गया बेल का, वो बोले भाई इसके अंदर मत वो लगाओ। हाँ पानी के लिए तो फिर हमने छोड़े मोगरा। हाँ मोगरा लगा दो, व्हाइट पीला अच्छा लगेगा, व्हाइट एंड पीला अच्छा लगेगा। हाँ कैची से खोलो तो देखो, इस बार फिर हमने मोगरा लेके आए। मोगरा वो अच्छा लगता है, उसकी महक अच्छी लगती है। ये मट्टी इतने दिन से पड़ी पर उसमें कीड़े नहीं पड़े हैं मट्टी में। मेरे को वाला भी झाड़ चाहिए था घर में लगाने वाला, जड़ को मत छूना जी उसकी। हाँ सो गाइस देखे कितना मस्त, इसको भी इसमें लगा दिए, यहाँ मोगरा लगा दिए, वहाँ पे ये वाला लगा दिए और वहाँ पे येलो वाला लगा दिए और यहाँ पे भी एलोवेरा भी सही कर दिए, एलोवेरा भी आ जाएगा, अच्छा लग रहा है। इतना पानी कहीं गिरने वाला नहीं है, मस्त है। इसमें रोज सुबह फूल खिलेंगे अंकल बोले हैं। अरे चलता। सो गाइस मैं गया था बाहर सामान लाने के लिए और
झाड़ वगैरह सेट करने के बाद मैं फ्रेश फ्रेश हुआ, सामान लेके आया और हम शबनम ने बनाया खाना। खाने में बनाए थे बड़े का सालन और इतना जबरदस्त और इतना लजीज सालन बनाए थे कि खाते खाते ना मेरे को चक्कर आ गई खाते खाते ना मेरे को चक्कर आ गई मालूम बहुत मैं मेरा ऐसा है ना, मतलब मैं थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ ना तो मेरे को चक्कर आने लग जाती है। लोगों को बिना खाए चक्कर आती, मेरे आदमी को खाते हैं। और मैंने उसके साथ बाहर से रवा मैदा नान लेके आया था, एक जो कि एक नंबर, उसमें बोलते ना सोने पे सुहागा हो गया। मियां कर रहे हैं जुगाड़, मेरा हाथ जाएगा कि पानी डालने के लिए इसमें, तो देखो हाँ बात कर लो, लॉक करना पड़ेगा। हाँ हवा से बोल नहीं सकते, टेढ़ा लग रहा है बहुत। टेढ़ा तो रहेगा ही ना, क्यों सही हो। हाय कैसे हैं आप? अच्छे हैं। खाना खाए? हाँ क्या खाए? सालन, सालन खाए भाई ने। सो गाइस मेरा खाना बनाना चालू है और देखो ना यहाँ पे मुझे वो आदमी लोग हुआ था ना डिम्पल, वैसा आ गया है तो इसको इग्नोर करते हुए। यहाँ मेरा बेटा खेल रहा है और यहाँ देखो इसको, इसको देखो इसको, यहाँ मेरा बेटा खेल रहा है। सड़ेला दांत पड़ा दांत देखो इसके, तो दांत कब से देख रही, मैं आ ही नहीं रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा उतार रहा है और मात के अब्बू जा रहे हैं चावल लेने के लिए, जल्दी आओ। अब भी आ रहा 5 मिनट। हाँ महाद ने देखो सब की चप्पल फेंक दिया, सब की देखो अभी भी फेंक रहा है। सो गाइस मैं बना रही हूँ चिकन का सालन क्योंकि हमारे घर आए हैं हमारे भाई, हमारी जो जेठानी जी है सबसे बड़ी वाली, उनके बड़े भाई आए हैं। तो ये क्या है, तो मैं खाना बना रही हूँ, मैंने अभी सालन बनाई तो महत के बुने बोले मैं नान लेके आऊँगा, नान बहुत अच्छा लगता है तो नान लेके आएंगे और मैं भी ज़ीरा राइस बना दूँगी। तो खाना भी बन के रेडी है, इसको भी नान बहुत पसंद है तो चलो इसको देखो कैसा भटक रहा है आपने वहाँ। सो गाइज मेहमान वगैरह चले गए, अभी इस वक्त हो रहा है देखो रात के 9:15 एंड वो लोग आए थे, उन लोग का 9 बजे की गाड़ी थी तो वो लोग बहुत अर्जेंट में खाना वीना खाए वैसे, और वैसे वो लोग निकल गए, भाई भाभी भी चले गए, भाई ने तो खाना भी नहीं खाया, नमाज के लिए चले गए थे। तो और गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं शबनम? क्या बोले? वो छोटा सा बाउल वाली फिश टैंक लेने, क्योंकि हमारे माँ को बहुत पसंद है फिश टैंक। कैसे पसंद है मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ, हम लोग फर्स्ट टाइम फिश टैंक गए थे और उससे पहले मोमोज वाले के बाजू में एक फ़िश का मतलब शॉप था, तो वहाँ ये देखता था ना हमेशा, तो बहुत मतलब वो करता था, खुश होता था। तो अभी अब्दुल्ला भाई के वहाँ पे देखा तो और ज़्यादा वो करने लगा, और शबनम हाँ और शबनम को भी बहुत मतलब अच्छा लगता है घर में फिश टैंक। वो मेरे भी हमारे भी घर में था, हमारे मम्मी अब्बा जब थे हयात थे तो उन्होंने भी मतलब लगाए थे फिश टैंक घर में, अच्छा लगता है फिश टैंक सब पहले से पालते। और मैंने ऐसा सुना हूँ बुजुर्गों से कि जानवर मतलब जो बेजुबान जानवर रहते हैं वो अपनी बलाएँ मतलब अपने आने वाली बलाएँ उन लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा मैंने सुना हूँ। तो चलिए गाइस हम लोग भी जा रहे हैं एंड झाड़ वाड़ तो हम लोग ने सब सेट कर लिए, बताया आपने शबनम? आइए तो अभी हम लोग निकल रहे हैं महादेव के अंदर, बाथरूम में जाके बंद कर लेते हैं। भैया चलो जाके गा साइड से आओ, अरे अल्लाह उसको निकाल दो बाहर। तो गाइस ये देखिए यहाँ पीले बाउल में हमने लगाया मोगरा, इस पर कली है और यहाँ पर लगाया येलो गुलाब, यहाँ पर लगाया माशाल्लाह रेड गुलाब एंड यहाँ पर लगाया ये कौन सा है क्या मालूम, ये भी हमने लगा दिए बट व्लॉग नहीं बनाया था मैंने, ये देखिए। और ऊपर इसके ऊपर हमने यहाँ पर वो बर्ड्स के लिए मतलब चारा पानी का ऊपर रख दिया। तो चलिए हाँ तो हम आए हैं फिश टैंक लेने। तो मेरे बच्चे को देखो अल्लाह इसकी खुशी देखो मेरे लाल की, और महत की ना नाक में जख्म हो गया सर्दी से, कहाँ हुआ लेने का। अच्छा दो वाइट दे दो और ये छोटी
ये नॉन ऑक्सीजन है ना, वो बड़ी वाली ना खाना ले छोटी वाली, कोई खाएगी तो नहीं ना। तो हमने ये वाली प्यारी प्यारी मछली ले लिए, चलो देखते हैं ना इतनी पाल के कैसा क्या रहता है। हमने ये लिए, दो तीन लिए, ये ना काई खाने वाली मच्छी है। तो हमने ले लिए बहुत सारा सामान, अब जा रहे हैं घर और घर जाके इसको सेट करेंगे। तो ये भी लेना है हमें, बट ये लेंगे बाद में, है ना, पिंजरा ये सब। चलो ए मम्मू, अच्छा लगा मच्छी का, अच्छा लगा का? अभी घर पे देखेगा ना तब पता चलेगा, पर खेला बहुत खेल रहा था। तो अब हम आ गए यहाँ पे फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि हमारे आंगनों में खूनों की कमी हो चुकी है। तो अब यहाँ से अनार ले रहे हैं, और मुझे अंगूर लेने का है, तो मुझे गुच्छे में से अंगूर पसंद आ रहा है, जो गुच्छा लगता है ना, पर वो अंकल बोलते नहीं गुच्छे में से नहीं आएगा। अरे तो जब जो पसंद है वही वाला अंगूर लूंगी ना। तो मैंने क्या बोला फिर? हाँ मैंने क्या बोला फिर? अभी तो बोले नहीं नहीं होना फिर। अरे मेरे को जो पसंद है वो मिलेगा, ये तो मतलब नहीं है ना, कैप्सूल अंगूर चाहिए और वो दे रहे छोटे अंगूर। तो अभी देखते हैं, अगर ये गुच्छे वाला कहाँ गया, वो गुच्छे वाला, हाँ अगर वो गुच्छे वाला गुच्छे में से नहीं दिया तो मैं अंगूर नहीं लूँगी। तो फाइनली मुझे ये गुच्छे में से मिला, क्योंकि मुझे गुच्छे में से मिल नहीं रहा था इसलिए मैं ले नहीं रही थी। तो भैया ने दिए गुच्छे में से। तो हमने सब सामान ले लिया, अब हम जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं घर जाके। तो गाइज हम घर आ चुके हैं, और अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले सेटअप। तो इसको सबसे पहले यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ रखेंगे हम प्यारा सा हमारा फिश टैंक। तो इसको हटा रहे हैं अब हम, इसको रखेंगे अब कहाँ, इसका वैसे भी बंद हो गया ये। मैंने आपसे कुछ चीज़ मांगी थी, आपको याद है? अभी इसको भी मैं फटाक से साफ कर देती हूँ पहले। अरे चालू है शबनम, क्या मैडम सब धूल साफ कर रहे हैं? अभी हमको घर साफ करना ही है, इसके लिए अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि पूरा कलर होएगा तो साफ ही होएगा। मतलब लाइनर की बॉटल को दे दो, ये महा सीधा रहो, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। चलो लो फटाफट करो, ये सब कोने में रहेगा सेटअप बॉक्स। सेटअप बॉक्स चलो, इनको तो इतना शूज पसंद है कि निकाल रही नहीं है शूज से, मेरे बच्चे को टने का टने समझ गई है तो क्या है अंदर फिर। तो देखो, अरे वाह, अरे वाह, जल्दी जल्दी जल्दी। तो हमने ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं लिए, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, अरे वाह मेरा फिश अल्लू, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, अल्लाह अल्लाह कितना गोचर है बोला। ओह माय गॉड, अब्बू ने ला लिए मेरे बेटे को फिश टैंक, मम्मा की खुशी। तो देखो मैंने ये सब मच्छी ली हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगा तो हम कल परसों में और अच्छी लेके और ले लेंगे ना जी। तो मैं जाके पहले फिश टैंक धो देता हूं। हाँ सबसे पहले तो देखो, इन लोगों ने अभी से पानी इतना गंदा कर दिए, बाप इन लोग, मुझे ऐसा लग रहा है रोज इन लोगों को मुझे साफ करना पड़ेगा। देखो कितनी फड़फड़ा रही है ये, उन लोगों को जगह नहीं मिल रही ना। तो दो ऑरेंज है, तीन ऑरेंज है, एक पोपटी है, दो वाइट है। तो महत क्या बोल, देखो कितने केयर से उसको पोंछ रहे, जबकि उसमें पानी ही रहने वाला है, फिर भी उसको पोंछ रहे। ऊपर का पोछ लो, अंदर का मत पोछो, क्योंकि देखो अरे अंदर तो पानी रह जाएगा ना। अच्छा। तो देखो हम पानी छान के भर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। अरे वाह, ये तो मालूम पड़ा अपने पानी में, अपने पानी तो ऑलरेडी गंदा ही रहता ही है, और मालूम पड़ा। ओहो अच्छा, वो छान लिए ना अपने, तो मच्छी से ज्यादा तो कीड़े तेरे नहीं, फिर भी उतना साफ पानी नहीं जितना पानी रहता। शबनम यहाँ पे देख रहे हैं, ये डालने जा रहे हैं पत्थर, मैं पत्थर डालूंगी। मेरा हाथ देखो कितना बड़ा दिख रहा है। हाँ राम राम से भाई। अरे कचरा आ गया, घास है उसकी,
नहीं होना ना अपने आस पास कुछ भी। चुनके डालती हूँ। चुनके डाल दे। मेरा हाइट कम है ना। लो बताओ देखो ऐसा देने का। ये मुसद्दिक का हाथ है देखो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुसद्दिक का हाथ ये गया इसमें। और देखो अगर तुम बोलेंगे ना कि फ्रिज के एक अंदर वाले स्टेप में रखो तो भी मैं रख दूंगा। अरे वाह माशाल्लाह कितने मस्त दिख रहे यार। देखो शमन लाओ लाओ लाओ। एक पत्थर पे रबड़ बना हुआ है। रबड़ है, अंगूठी बना लो ना उससे। एक पत्थर की बना लो क्या अंगूठी इसकी येलो वाले की है ना। पागल इस तो रबर की बना है। वो पत्थर का हिले डुले ना भागे ना इसके लिए। तो गाइस पत्थर देखो कितना प्यारा है, मेरे बेटे से भी डलवाए। अरे पूरा खींच लेगा नीचे वो पत्थर दिख रहे ही नहीं है यार। मस्त लग रहे। कम लिए क्या अपने पत्थर? आधा किलो लिए ना बराबर तो है। अरे यहाँ से दिख रहे ना साइड से, ऐसा थोड़ी दिखेंगे तुमको। और मंगता तो और डाल देंगे। कल और ले आओ हाँ। कल ले आओ कल और। देखो दिख तो रहे मस्त। बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। डालो जी। अरे वाह। चुनी दे दो चुनी दे दो। निकालो निप्पल। अरे वाह। मेरे बेटे की। नहीं यार फ्रिज पे रहेगा ना तो क्या है? मैं उसको दिखाती रहूंगी, देखते रहेगा, खेलते रहेगा। कितना खुश हो रहा है। चलो ना उसमें डाल दो ना फटाफट, फिर यहाँ से दिखाना ना उसको। तो इसको डाल रहे हैं। नीचे से बताओ। नीचे से। हाँ। गई सब? अरे अल्लाह लोग कचरा भी चलेगा। इसलिए मैं सोची थी हाथ से डाल दूंगी। जान दो भाई रहेगा नीचे। अरे वाह। वो खुद ही खा भी ले रही है वही। मैं चाय डाल। मस्त खूबसूरत लग रहा है बड़ा। तुम्हारा फ्लैश यहाँ दिख रहा है। गाइस देखो अभी हम लोग महत को बता रहे हैं। देखो हाँ। ये पापा। तो हम सोच रहे हैं ये झाड़ इसमें रखने का। बहुत अच्छा लगेगा ना मल्टी कलर का। रखो रख के देखो। और डूब रहा नहीं है ये तो। अरे बाप। अरे अल्लाह नहीं जी, बच्चे लोग फेरेंगे कहाँ पे। छोटा वाला रखो छोटा वाला। अरे नहीं 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 नहीं। सो गाइस ये वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा फिश टैंक के साइज का आ रहा था। और एक ये वाला है ये भी अच्छा लगेगा उसमें। और एक शब्द नहीं ना जी, हाथ में ना खोलो ज्यादा, हाथ लगाने से भी मरते हो लो। अब उसको रख दो बीच में अच्छे से, एकदम बीच में रखो, कोने में रखे आपने। अरे रहते हो, रुक रहे ही नहीं पानी में। पानी भर रहा है उसमें। पत्थर रख देता ना उसमें एक दो। आपके हाथ बहुत बड़े बड़े हो रहे जी। लाओ मैं करती हूँ। हमारा हाथ नहीं बचेगा ना। पहुँचेगा। तो देखिए हमने इसको भी रख दिए। ऐसे तो ये वाला नहीं है, झाड़ अलग रहता है इसका। तो अभी टेम्परवरी हमने यही रख दी है और वो ऑक्सीजन भी दे रहा है तो लग रहा है। देखो ना। नहीं उसमें शायद पानी भर रहा होगा। ऑक्सीजन का काम क्या? अगर मेरा पानी, अगर मेरा ये वाला झाड़ खराब हुआ ना, आप मुझे नया ला के देंगे क्योंकि ये मट्टी है अंदर और ये सुन रहे नहीं है। नहीं है बाबा, केमिकल आता है। मट्टी रहती है। नहीं देखो इसको ऑक्सीजन दे रहा है ये तो। कोई नहीं, मस्त हो गया। मस्त लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है। बढ़िया गोल वाला रखते हैं। नहीं ये कपड़े का है तो खराब होगा ना। हाँ ये ना को, वो अच्छा लग रहा है। फिश तो देखो ये क्या है। फिश ये देखो ना कैसा ऑक्सीजन कैसा हो रहा है जी। अच्छा है ना तो। माच फिश चारा डाल दो ना सब लोग। हाँ पकड़ो। उन्होंने बोले थे तो हजार दाने आ गए। हम लोग जब हमारे घर में थे तो कलरिंग दाने आते थे। हाँ। और ढक्कन डब्बे में आता था। डब्बे वाला अभी भी आता है तो अंकल ने फिर पैकेट वाला क्यों दिया? देखो मैंने तो 19-20 दाने गिराए थे। बताओ इधर मैं डालता हूं। अजी मेरे को आता है काम। काम आता है। 16-17 दाने हो। देखते हैं खाते है क्या। हां आई आई आई। माशाल्लाह खाई। नजर मत लगाओ अभी मेरी बच्ची को खानों को। अरे मां इसमें क्या नजर लगाऊं। इन लोग को चिकन भी खिलाएंगे अपन कभी कभी ना के। हाँ। गेंडोल
उल्लू का जो कीड़ा है ना कैसा लगा तुमको? मुझे बहुत अच्छी लगती है सब चीजें। अरे शुभम कैमरे में तुम्हारे ये दाने कितने डार्क दिख रहे हैं ऐसा क्यों? आईफोन 15 है ना अपना, जो चीज हल्की भी रहती है उसको पूरा ज्यादा दिखाता है। बहुत इसमें बहुत ज्यादा दिख रहा है। गाइस कुछ होगा अगर किसी के पास कुछ इसका नुस्खा होगा, क्या बोलते हैं उसको, इलाज तो हमें सजेस्ट करना। ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं है मेरे को भी, वो तो कुदरत की देन है, कुछ भी मतलब आता है जाता तो रहता है, ये मेरे भी फेस पे बहुत आता है। तो मेरे को एक आपा ने दिए थे गर्मा का सीरम, तो अच्छा था वो बहुत, बट मैं अभी उसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, वो रखा हुआ ही है। मतलब यूज़ किया मैंने उसको, अभी तक ख़त्म होने पर आया, तो अब उसके बाद मैंने मतलब लगाना छोड़ दिया। तो शबनम के लिए कुछ सजेस्ट करना अगर अच्छा कुछ होगा आपकी नज़र में, कि जो दाग धब्बे रहे वो मतलब 100% जाएंगे इससे, तो हमें सजेस्ट करना ज़रूर। जो आप लोग ने यूज़ किए या आपने किसी को मतलब देखे, किसी के मतलब उस पर रिज़ल्ट देखे आपने, तो हमें ज़रूर सजेस्ट करना। वैसा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, बट अगर हट जाएगा तो और अच्छी बात है क्या? तो गाइस हमारा खाना वगैरह तो मतलब दिल तो ज़रा भी नहीं है खाना वगैरह खाने का, क्योंकि पेट इतना भरा हुआ है, 5 बजे ही खाए, और अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। मैं तो जा रहा हूँ दूध लाने, और अभी सो बज रहे हैं 11:05 का मैं अभी सो, तो मैं जाऊँगा दूध लेके आ जाता हूँ जाके पहले, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। वो आगे का वो मिरर पे घास भी लगाने का है, लेके आके रखे हुए हम लोगों ने, अभी तक लगाए नहीं, तो देखते अगर आने के बाद हुआ तो वो लगा दें। सो गाइस हमारा खाना वगैरह हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी इस वक्त हो रहे हैं 12:15, और हमने ये ला के रखे थे काफ़ी दिनों से, तो आज इसको मिरर पे सेट कर देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हमारा चल रहा है बट नहीं कर पा रहा। तो शबनम मेरे को बताओ ऐसे चारों कौन चारों लाइन में पूरा लगा देने का, ऐसा चारों लाइन पे पूरा, हाँ ऐसे नहीं, पहले वो पहले एक लाइन देखो कितनी आ रही है, इसको ना अपने को क्या करना पड़ेगा मालूम है? हाँ कितनी लाए अपने? 5। हाँ अच्छा लग रहा है ना, पर मस्त अच्छा लगेगा। हाँ पर इस पर आएंगे तो ये बाजा है, अभी इसको खोल रहे हैं बाजा इसको टेप से एक सेट कर दूंगा ये। मैं दूसरे फ्लावर लगा रही थी पर बहुत महंगे थे वो, अच्छे ज्यादा ही महंगे थे वो, तो मैंने बोली ये लगा देंगे, ये भी अच्छा लग रहा है, बस अच्छे से लग जाएगा ना, बहुत प्यारा हो जाएगा। तो ये मैं किसके लिए नहीं कर रही हूँ, ये मेरा शौक है, मुझे पसंद है ऐसा, तो मैं कर रही हूँ, है ना जी? वरना इतना कौन फालतू बैठा है ये सब करेगा। मैंने वाइट फ्लावर सोची थी इसके आजू बाजू लगाने का, बट वो बहुत महंगे थे, इसलिए मैंने सोची ये लगा देंगे, ये अपने बजट का भी है और खूबसूरत भी लगेगा। तो बस इसको पूरा लगा दो फटाफट और सो, मेरे को इतनी नींद आ रही है ना क्या ही बोलूँ। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट पे तो ज़्यादा उठ के दिख रहा है एकदम ग्रीन। तो ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, हमें जो अवेलेबल लगा जो सही लगा हमारे हिसाब से हमने वो लग दिए, है ना जी? सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर दिया हूँ शबनम के कहने पे, मस्त लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और हर बार की तरह इस बार भी प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।